क्या आपकी क्या राय है कि मतलब वोटिंग करनी चाहिए? हाँ जी, ये वोट जीत गया था, अधिकार है हमारे, तो अधिकार खत्म हो गया, खत्म हो गया। और ऐसा नेता चुनेंगे जो जो अपने लिए नहीं, कवर के लिए, पब्लिक के लिए, जो सरकार का सब कुछ दिंदी, कोई क्या कुछ नहीं दिंदी, बड़ी अवर जेड़े गांव दे करिंदे ना है दिंदे कोई काम। हल्के तो लगा हुआ है, पानी तो नहीं आता ना इतना। नमस्कार, आपका सेंट्रल न्यूज में स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 10। मैं हूं शारिक। इसमें हम आपको देश विदेश की 10 बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में एस श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल के मालिक राज कुंद्रा को सट्टेबाजी में शामिल बताया और उन्हें दोषी करार दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन को भी बड़ा झटका दिया है। अब श्रीनिवासन बीसीसीआई का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वहीं कोर्ट ने 6 सप्ताह के बीच बीसीसीआई का चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बीसीसीआई का कामकाज निजी नहीं है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा संयुक्त रूप से देश की जनता के साथ रेडियो पर मन की बात करेंगे। इसकी पुष्टि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके की है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से सवाल पूछने के लिए भी कहा है। अक्टूबर 2014 से मोदी हर माह मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को रेडियो पर संबोधित कर रहे हैं। जो आ रहे हैं वो दिल्ली में आएंगे और हो सकता है वो यूपी, राजस्थान, बिहार इन क्षेत्रों में ना पहुंच पाए, और रेडियो एक ऐसा विकल्प है जो क्षेत्र के जो देहात क्षेत्र हैं उनमें भी बचता रहता है। उस माध्यम से सभी लोग उनकी बात को अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए अब राजनीतिक दल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कभी देश से भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद थी किरण बेदी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कृष्णा नगर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल, सांसद महेश गिरी और पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली चुनावों के दौरान किसी भी बूथ और असंतोष की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की वजह से कार्यकर्ता और नेताओं में किसी भी प्रकार की फूट नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और पूरी ताकत के साथ अपने बूथों में काम कर रहे हैं। सुपर कॉप के नाम से जाने वाली 65 वर्षीय किरण बेदी पिछले सप्ताह भाजपा में शामिल हुई थी और उन्हें फिर पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। देश की आर्थिक दशा और रेल की रफ्तार कम होगी या फिर बढ़ेगी, इसका पता 23 फरवरी से 8 मई तक चलने वाले बजट सत्र में चलेगा। रेल बजट 26 तारीख को पटल पर रखा जाएगा और 27 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। वहीं 28 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। इस दौरान केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान जारी किए गए 6 अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयकों को पेश करेगी ताकि संसद से पारित करवाया जा सके। इन अध्यादेशों में कोयला खान, खनिज, भूमि अधिग्रहण, ई रिक्शा, नागरिकता कानून में संशोधन और बीमा क्षेत्र में FDI से संबंधित अध्यादेश शामिल हैं। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता शशि थरूर, जो अपने विवादित बयान कैटल क्लास के चलते सुर्खियों में आए थे, अब अपनी पत्नी सुरेंद्र थरूर पुष्कर की रहस्यमय मौत के मामले में घिरते दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस अब शशि थरूर से सुनंदा की मौत के कारणों से पर्दा उठाने के लिए पूछताछ कर रही है। जांच में लगे पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुनंदा थरूर की मौत की वजह IPL मैच फिक्सिंग से जुड़े राज भी हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के बाद पाकिस्तान सरकार ने आतंकी संगठन जमात उद दावा और अफगानिस्तान स्थित संगठन हक्कानी नेटवर्क पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान ने ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के भारत दौरे से ठीक पहले लिया है। हाफिज सईद जमात उद दावा का प्रमुख है और इसी संगठन ने 26 नवंबर 2011 को मुंबई पर आतंकी हमला करवाया था जिसमें 166 लोगों की जाने गई थी। सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला का निधन हो गया है, वह 90 वर्ष के थे। अब्दुल्ला का मुस्लिम समाज को आधुनिक बनाने के लिए खासा योगदान रहा है, साथ ही उन्होंने अलकायदा के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ दिया था। उनके स्थान पर उनके सौतेले भाई सलमान को सऊदी अरब का शासक बनाया गया है और मुकरेन को नया शहजादा बनाया गया है।
सऊदी अरब मुख्य तेल निर्यातक होने के साथ साथ इस्लाम का आध्यात्मिक केंद्र भी है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एक और रिकॉर्ड छलांग लगाने के बाद 29,000 के अंक को पार कर गया है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी शुरुआती कारोबार में पहली बार 8,754 अंक पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक घरेलू शेयर बाजार में पूंजी प्रवाह जारी रखने के बीच कंपनियों के दिसंबर तिमाही घरेलू शेयर बाजार में तेजी आएगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल मुकाबले में भारत के महेश भूपति और ऑस्ट्रिया के जर्गन मेल्डर की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष युगल मुकाबले से बाहर हो गई है। भूपति और मेल्डर की जोड़ी को अर्जेंटीना के डिएगो स्टॉर्चमैन और होरासियो जेवासलोथ की जोड़ी ने सीधे सेटों में 4-6, 3-6 से हराया। भूपति और उनके जोड़ीदार ने इस मैच में 27 गलतियां की, जबकि अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और महज 9 गलतियां की। इस मैच में भूपति 9 महीने की ब्रेक के बाद अपनी फॉर्म में वापस लौटने के लिए जूझते दिखे। न्यूज टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सेंट्रल न्यूज के साथ।